ये जब फैसला आया अयोध्या वर्डिक्ट, 5 एकड़ जमीन दी गई, हम लोग की कोई तैयारी नहीं थी मुस्लिम समाज की कि मस्जिद के लिए जमीन दी जाएगी, मस्जिद बननी है, लेकिन अब जमीन दे दी गई है। शुरुआत में फंड की बहुत कमी रही क्योंकि ना ही कोई कोशिश की गई ना ही कहीं से फंड आया, हालांकि 50 लाख का फंड आ चुका था जिसमें हिंदू भाइयों ने भी बढ़ चढ़ कर सहयोग किया था। अब यह है कि हमारा काम चल रहा है पूरे देश में और बड़े बड़े लोग जुड़े हैं इससे, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद 22 जनवरी के बाद फरवरी मार्च से आपको वहाँ पे निर्माण शुरू होता दिख जाएगा। निर्माण में क्या क्या चीज खास रहेगी जो आम पब्लिक के लिए भी? हाँ, निर्माण में मस्जिद है, मस्जिद के अलावा कैंसर हॉस्पिटल है 300 बेड का, कम्युनिटी किचन है जिसमें 1000 लोग रोज लोग खाना खाएंगे, वेजिटेरियन खाना, और एक रिसर्च सेंटर है जो 1857 के महान क्रांतिकारी मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी के नाम पर होगा। इस रिसर्च सेंटर में ये बताया और पढ़ाया जाएगा कि मुस्लिम समाज का राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान रहा है, किस तरह हम भारत की आज़ादी के लिए लड़े, किस तरह हमने आज़ाद भारत में क्या योगदान दिया मुस्लिम समाज ने राष्ट्र निर्माण में अलग अलग क्षेत्रों में, ये सारी चीज़ों को बताया जाएगा क्योंकि नई जनरेशन को नहीं मालूम है। उसके अलावा ये केंद्र हमारा हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा केंद्र होगा और पूरी दुनिया को मैसेज दिया जाएगा कि हिंदुस्तान में खासतौर पर अयोध्या में जहाँ राम मंदिर है वहाँ हिंदू मुस्लिम किस तरह मिल के प्रेम और भाईचारे से रहते हैं। नींव कौन रख रहा है मस्जिद की, कौन ऐसे आ रहे हैं जो नींव रखेंगे? देखिए, मस्जिद का नींव रखने का कोई प्रोग्राम तय नहीं हुआ है अभी, हालांकि 26 जनवरी 2021 को वहाँ हमने 10 पेड़ लगाए थे, वो शुरुआत कर दी थी, लेकिन अब हो सकता हो भाई कोई एक नया हो, ये तो ट्रस्ट है, ट्रस्ट का फैसला रहेगा, चेयरमैन का फैसला रहेगा, सारे ट्रस्टी बैठेंगे, फिर जो निर्णय होगा वो आपको बताया जाएगा। कितना पैसा आ गया है? अभी 50 लाख आया है, वो 50 लाख खर्च भी हो रहा है क्योंकि 2 एम्बुलेंस निःशुल्क एम्बुलेंस हमारी चल रही हैं इस अयोध्या में जो मरीजों को मुफ्त में अस्पतालों में पहुंचाती हैं। उसके अलावा हम वहां पे मेडिकल कैंप्स भी लगा रहे हैं, तो 50 लाख रुपया आया है, खर्च हो रहा है, लेकिन जल्दी ही हमारे पास आएगा, हमारे पास 300 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट है, जल्दी ही वो पैसा आएगा। धन्नीपुर मस्जिद का निर्माण होने वाला है, हमारे इकबाल भाई क्या कहना चाहिए? देखिए, सवाल अयोध्या का है और जो है सबका साथ सबका विकास है, और हमारे देश में इंसाफ के साथ में जो है 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद के लिए दी गई है, और मस्जिद का भी काम जो है मंदिर के बाद में शुरू जो है होने जा रहा है, और ट्रस्टी वहाँ जो है जो बनाए गए हैं उनके पास जो पैसा था लगा रहे हैं। हम भी चाहते हैं और हमारे देश के भी लोग चाह रहे हैं कि जब संविधान ने 5 एकड़ ज़मीन दे दिया तो काम भी शुरू जो है होने वाला है, क्योंकि अरशद भाई बता रहे थे कि एम्बुलेंस सेवा शुरू है और वहाँ कुछ पेड़ लगाए गए हैं, अच्छी बात है, और मंदिर जो है मस्जिद का काम भी शुरू हो जाए, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता पूछ रही है कि मंदिर बन जो है बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा की जो है पूजा होनी है, देश विदेश से लोग आ रहे हैं, हमारे देश का सौहार्द है कि आज हिंदू और मुसलमान एक तरफ, अगर मंदिर का काम पूरा हो चुका है तो मस्जिद बनवाने का काम भी शुरू जो है पूरा हो रहा है। फरवरी से मस्जिद का काम शुरू करने के लिए जो है ट्रस्टी बता रहे हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किए, हमारे देश का फैसला है, हिंदू मुसलमानों का फैसला है, सरकार का फैसला, सरकार ने इंसाफ किया है, तो हमें चाहते हैं कि मंदिर के बाद में मस्जिद का काम लोग जो है शुरू जो है करें, इससे देश की भलाई का है। मस्जिद के साथ और क्या क्या चीज़ें वहाँ बन रही हैं भाई? मस्जिद के साथ में जो है वहाँ स्कूल बता रहे हैं, लाइब्रेरी भी है, किचन भी है, तो ट्रस्टियों के पास पैसा जो है आना शुरू जो है हो गया है, तो काम भी अच्छे तरीके से होगा। हम तो चाहते हैं कि शिक्षा भी होनी चाहिए, रोजगार भी होना चाहिए, स्कूल भी होना चाहिए, और गरीबों के लिए मदद भी होना चाहिए, क्योंकि मंदिर मस्जिद का जो जहाँ भी जिस देश में है तो जो है जनता को यही एक फ़ायदा है कि जो है कि वहाँ अगर भगवान के साथ कहीं पर लोग भगवान से अल्लाह से मांगने जाते हैं तो कुछ ज़रूरी चीज़ का लोग जो है मांग भी करते हैं कि हमारे घर में शिक्षा होनी चाहिए, हमारे घर में रोज़गार होना चाहिए, और हमारे देश का भला होने चाहिए, हमारा देश तरक्की करे, ये हमारी मांग होती है। तो जितनी जल्दी से जल्दी जो है मस्जिद का काम शुरू करेंगे उतनी जल्दी से जल्दी लोगों की आस्था जुड़ जाएगी धर्म से।